इस टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम आ गए हैं हमने लाइन लगाना सीख भी ली है हमने एंगल्स पे लाइन ड्रा करना भी सीख ली है हमने लाइन विद डायमेंशनस भी सीख ली है कि अगर हमने डिफरेंट यूनिट्स के अंदर लाइन ड्रा करनी हो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सामने आता है जो सवाल सामने आता है वो ये है कि अगर हमें कहा जाए कि आप स्क्रीन के ऊपर मैयर करके दिखा भी दें कि आपने अभी मैंने लाइन ड्रा कर ली है फोर्टी फीट मुझे पता है कोई एविडेंस स्क्रीन के ऊपर कोई ऐसा शवाहद नजर नहीं आ रहा ना किसी को पता चल रहा है कि ये क्या वाकई ही चालीस पचास या चार सौ की जिस तरह भी हमने लगाई है प्रीवियस टॉपिक के अंदर तो जब कभी हमने शो करना होगा बताना होगा स्क्रीन के ऊपर अक्सर अगर आपका कभी किसी ड्राइंग आपने देखी हो कैड के अंदर या तो नॉर्मली उसके साथ यूनिट्स भी लिखे होते हैं कि ये लाइन है किसी भी या सर्कल एक्सपोज है तो उसका रेडियस बाजूक़ात मेंशन होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है हमारी हम चेक करेंगे कि किस तरह हम यूनिट्स को चेंज करके और किस तरह हम स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं और फिर हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम मेजरमेंट करने की कोशिश मेजर करने की लाइन कोशिश करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी जो यूनिट्स जब वो लिखा जाता है उसका टेक्स्ट इतना छोटा होता है कि वो नज़र ही स्क्रीन पर नहीं आ रहा होता तो हम चेक करते हैं कि किस तरह हम टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं और मजीद किस तरह हम किसी भी लाइन की क्योंकि स्क्रीन के ऊपर उसकी लाइन की लेंथ को शो भी कर सकते हैं तो आइए बढ़ते हैं कैड की तरफ और देखते हैं कि इस कमांड को हम कैसे ऑपरेट करते हैं ये हमारे पास स्क्रीन है जो कि हमने प्रीवियस कैड की ड्राइंग में वर्क कर रहे थे हमने कुछ लाइंस ड्रा की थी डिफरेंट एंगल्स के ऊपर और अब हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि ये जो लाइन है अब सपोज हम फिलहाल इन लाइंस को डिलीट कर देते हैं जो हमने सिलेक्शन मेथड्स लेक्चर में प्रीवियस टॉपिक में कवर किए हैं हमें इनको सिलेक्ट करके और डिलीट का बटन प्रेस करते हैं ये हमारे पास एक लाइन है और अब टास्क ये हमें सपोज पता भी हो फर्ज़ करें हमने ये लाइन ड्रा की है और हमें एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट्स है या हम एक नई लाइन ड्रा कर ही लेते हैं इसको हम डिलीट करते हैं और हम एक नई लाइन आर्थो को हम ऑन करके और एल एंटर और हम कोई भी एक नई लाइन जब हमने आर्थो ऑन कर लेना है तो उसके बाद हमें एंगल देने की ज़रूरत कभी भी नहीं होगी हमने पहले भी डिस्कशन किए क्योंकि आर्थो ऑलरेडी एक अंडरस्टूड है कि वो लाइन लगा रहा होता है अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स तो राइट तो ये आपकी जीरो डिग्री होगा फ़र्ज़ करें नाइन्टी डिग्री होगा वन एटी और टू सेवेंटी तो अब हम जिस तरफ मूव कर रहे हैं एंगल वो ऑलरेडी अगर नोट करें तो जीरो डिग्री पहले ही स्क्रीन के ऊपर स्पेसिफाई हो रहा है हमने जस्ट उसे डायमेंशन देनी है और हम फर्ज़ करके करें उसे एक हज़ार फीट और एंटर कर देते हैं तो ये हमारे पास एक लाइन जो है वो स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे मेरा अभी कर्सर मूव कर रहा है एक लाइन ड्रा हो चुकी है इसकी लेंथ हमें पता है कि एक हज़ार फीट है बट अभी स्क्रीन के ऊपर कोई भी ऐसा ऐसा पॉइंट या ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हमें पता चल सके और हमारे पास असाइनमेंट ये है हमें कहा गया हो कि आपने इस लाइन की लेंथ हमें स्क्रीन के ऊपर शो करके दिखाएं इसके लिए जो हमारे पास मैथड है हम यहाँ से डायमेंशन में जाएंगे हल्दो ये जो हमारे पास नीचे सारे इस डायमेंशन के अंदर जो सब टाइटल्स आ रहे हैं ये हमने आगे जा कर टॉपिक्स में बहुत डिटेल के साथ कवर करेंगे बट ये डायमेंशन स्टाइल कवर करने के लिए हम क्विक डायमेंशन अगर सबसे पहले हम देखें तो आ, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के और दो एरोज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जिस तरह के बता रहा है कि एक लाइन को आप अब मैयर कैसे कर सकते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है हम यहाँ से क्विक डायमेंशन को क्लिक करेंगे डायमेंशन स्टाइल डायमेंशन में जाके और हम यहाँ पर अब वो कह रहे हैं आप अगर अब मैसेज पढ़ें सेलेक्ट ज्योमेट्री टू डायमेंशन यानी अब हमने वो बता रहा है कि वो शेप सिलेक्ट कर रहे हैं वो ज्योमेट्री सिलेक्ट करें जिसकी डायमेंशन हम मैयर करना चाह रहे हैं जिसकी डायमेंशन मीन जिसकी लेंथ हम मैयर करना चाह रहे हैं तो हमने लाइन को सिलेक्ट किया और जैसे ही हम लाइन पे क्लिक करेंगे अगेन ये आप अपने जहन में बिठा लें जब भी आप कैड में कोई चीज़ ब्लू थीम के साथ आपको नजर आ रही हो इट मीन वो सिलेक्टेड है चाहे वो कोई कमांड हो चाहे वो कोई लाइन हो किसी भी तरह की तो ये देख अब जैसा कि थोड़ा सा लाइन का कलर जो है वो सिलेक्शन के बाद चेंज हो जाता है जिस तरह अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर है हमने सेलेक्ट करने के बाद जब भी आपने कोई चीज सेलेक्ट कर ली उसके बाद आप एंटर जब का बटन प्रेस करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी यानी वो जो कमांड जो आप लगाना चाह रहे हैं एंटर जो है वो आपको कहता है कि ये कमांड आप ऑपरेट कर दें इस कमांड को रन कर दें तो हम अभी एंटर का बटन प्रेस करते हैं और अब हम जिस तरफ भी जाएं हम इसको स्पेसिफाई कर दें तो अब अगर हम नोट करें तो हमारी जो लाइन ये वाली लाइन हमारी ओरिजिनल थी और ये एक और लाइन जो है जिसको इसके ऊपर ड्रा हो गई है और अगर हम नोट करें तो ये बिल्कुल सेंटर में इसके यहाँ पे अगर हम अभी इसे जूम इन भी करते हैं तो यहाँ पे ये डायमेंशनस बता रहा होगा यहाँ पे इस लाइन की ये लेंथ बता रहा होगा जो कि अभी विजिबल नहीं है अभी वो उसके डिजिट्स शायद इतने छोटे हैं हम इसको चेक भी कर लेते हैं हम ये यहाँ पे अगर आप हम जूम इन करते जाते हैं और जूम इन करने के बाद काफ़ी जूम इन करने के साथ साथ बात जो है यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास इस लाइन की लेंथ मौजूद है एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वन थाउजेंड फीट एक हज़ार फीट की ही लाइन हमने लगाई थी और हमें एक्जैक्टली वो बता रहा है कि आपकी इस लाइन की जो लेंथ है वो एक हज़ार फीट है अब तो हम दोबारा वापस आते हैं और जब भी हमने वापस आना हो अपने ओरिजिनल व्यू में या ये भी क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन से बाहर चला गया है तो अगेन जो आपकी नोटबुक में ऑलरेडी हमने मैंने एक कमांड आपको नोट करवाई थी वो आप दोबारा अगर उसको गो थ्रू करें Z एंटर और A एंटर यानी पहले हम Z का बटन प्रेस करेंगे जो कि अभी हमारी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है जेड फिर हम एंटर का बटन और फिर ए और दोबारा हम एंटर तो इसके बाद जैसे हम ये करते हैं तो हमारे जितने भी सपोज हमने चालीस पचास कोई ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो जहाँ जहाँ जो ऑब्जेक्ट्स बने होंगे वो विद इन स्क्रीन आ जाएंगे स्क्रीन के अंदर तो हम जेड कमांड और एंटर ए और एंटर तो ये हमारे पास हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्क्रीन के विदिन आ गए अब दोबारा अगर आप नोट करें तो यहाँ कहीं हमारी डायमेंशन लिखी हुई है ये जहाँ एग्जैक्टली exactly ये तकरीबन सेंटर पॉइंट में बट ये नज़र नहीं आ रही नज़र कैसे आएगी इसके लिए हमें दोबारा जूम इन करने की ज़रूरत है और हम इसको थोड़ा सा कर्सर से भी जूम इन कर सकते हैं या जूम इन जो कमांड हमने पढ़ी है तो ये हम देखते हैं तो ये तकरीबन एक हज़ार फीट लिखा हुआ है बट इतना टाइम ना आपके पास आगे जब आप ड्राइंग शो करेंगे होगा आपके पास कि आप एक एक ड्रॉइंग को बार बार जो है वो ज़ूम इन करके दिखाएँ अभी तो ये एक लाइन है जब आगे आपने बड़े प्रोजेक्ट्स में हम जाएंगे तो वहाँ हो सकता है हमारे पास चालीस चालीस लाइन्स तीस तीस लाइन्स मौजूद हों और हर लाइन की हमें लेंथ बतानी हो तो वहाँ हमारे लिए मुमकिन ही नहीं होगा कि हम एक एक लाइन को तो क्यों ना हो कि हम कोई एक ऐसी कमांड ऑपरेट करें कि इस टेक्स्ट की हाइट बढ़ जाए इस टेक्स्ट की विड्थ हाइट बढ़ेगी तो ये विजिबिलिटी बढ़ जाएगी यानी क्यों ना हो कि हमें ये एग्जैक्टली exactly इस लेवल पर नजर आना शुरू हो जाए जैसा कि यहाँ है इसके लिए जिस कमांड में हम जा रहे हैं दैट इज डायमेंशन स्टाइल मैनेजर डी एस एम अब हम इसके दो मैथड्स हैं इस कमांड को ऑपरेट करने के पहले हम नंबर वन मैथड में देखते हैं वो फॉर्मेट से है ये जहाँ पे अभी हमारा कर्सर मूव कर रहा है फॉर्मेट से ही हमने यूनिट्स भी अपने सेट किए थे फॉर्मेट से हमने लाइन टाइप लाइन वेट लाइन कलर ये सारी चीज़ें हमने फॉर्मेट में से ही की थी तो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन स्टाइल की ऑप्शन मौजूद है आप जैसे डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक नई टैब एक नई डिफॉल्ट टैब जो है वो ओपन हो जाती है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है ये हमारे पास मैथड नंबर वन है अब हम मैथड नंबर टू देख लेते हैं इसका दैट इज शॉर्ट की आप प्लीज़ अपनी नोटबुक्स को दोबारा ओपन करें और एक और शॉर्ट की आप नोट करें और वो है सिंपल डी एंटर डी इज़ फॉर डायमेंशन स्टाइल तो हम सिंपल स्क्रीन पे जिस तरह हम एल एंटर करते हैं लाइन के लिए हम डी एंटर करेंगे तो खुद ब खुद डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का जो है टैब हमारे पास ओपन हो जाएगी तो इस टॉपिक के अंदर हमने कवर किया है कि हम किस तरह लाइन को मयर करने के बाद डायमेंशन स्टाइल तक पहुँचते हैं अगले टॉपिक के अंदर हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और लाइन को मैयर करना सीखेंगे तो इस टॉपिक के अंदर हमने कंक्लूड किया है कि किस तरह हम डायमेंशन स्टाइल में जब ऑटो कैड में जाते हैं तो किस तरह हम वहाँ पे डायमेंशन स्टाइल को मेनली एक्सेस कर सकते हैं स्टार्ट में हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी और बहुत ज़्यादा जब ड्रॉइंग की हम बात कर रहे होते हैं जब कभी भी तो वहाँ पर मयरमेंट्स अक्सर कहा जाता है स्क्रीन के ऊपर कि आप यू यूनीट टू शो द मयरमेंट्स के ये कितने फीट की लाइन है और हमें स्क्रीन के ऊपर ही बाजूकात वो शो कराना है तो उसके लिए सबसे पहले डायमेंशन स्टाइल के अंदर हम यूनिट्स भी जाके सेट कर लेते हैं और इस लेक्चर के अंदर तो जस्ट हमने एक्सेस किया और डिफरेंट मेथड्स देखे कि किस किस तरह से हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर जा सकते हैं आने वाला जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर मजीद हम देखेंगे कि इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं